हाँ जी, सामने को सीए जी, हमारे पास एक सुजुकी कल्टस आई हुई है। इसकी 1,80,000 किलोमीटर अराउंड इसकी माइलेज है और इस गाड़ी का अब हम काम शुरू करने लगे हैं। इसमें सस्पेंशन के इश्यूज हैं और बाकी इसको हम टेक्निकली देखेंगे, कॉस्मेटिकली भी देखेंगे कि इसको कुछ थोड़ा बेहतर कर सकें। और ये वाली गाड़ी है, अभी हम इसकी टेस्ट ड्राइव करने लगे हैं कि इसकी करंट सस्पेंशन की कंडीशन क्या है। ये जी, इस गाड़ी का पीछे के ड्रम हमने ब्रेक के खोले हैं, पिछले व्हील बेयरिंग्स ठीक हैं और जो ये ड्रम्स के जो पिछले ब्रेक लेदर हैं ये थोड़े डाउन हैं, ये भी चल सकते हैं। ये इसके इनका कंडीशन है, ड्रम अंदर से बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई ब्रेज वगैरह नहीं बनी हुई। और जो इसकी फ्रंट सस्पेंशन है, फ्रंट सस्पेंशन में बड़ी एक ऑड सी आवाज़ थी जब ये ख़ासकर स्पीड ब्रेकर से गुजरती थी, जब सस्पेंशन से ज़्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट करती थी तब। तो ये सारे हमने इसके पार्ट्स चेक किए हैं, सारी चीज़ें ठीक थी। जो प्रॉब्लम निकला वो इसका जो फ्रंट कंट्रोल आर्म का जो ये वाला बुशिंग है, ये अपने अंदर मूव कर रहा है और ये जिस वक्त मूव करता है तो ये आवाज़ निकाल रहा है बुरी सी। तो ये वाला जो एक इसका कंट्रोल आर्म बुशिंग है ये हम रिप्लेस करेंगे। उसके अलावा बाकी जो ब्रेक के सिस्टम हैं, चीज़ें हैं, दे आर ऑल फाइन। थ्रॉटल बॉडी गाड़ी की रिमूव हुई हुई है, ये क्लीन हो रही है। इनटेक की चीज़ें निकली हुई हैं, शॉक्स इसकी खोली थी, व्हील हब्स खोले थे, व्हील हब बेयरिंग्स जो हैं इनमें आवाज़ है थोड़ी थोड़ी सी। और जो इस जो इन वाले बेयरिंग्स के अंदर साउंड है, और ये वाले जो आप देखें इन बुशिंग्स में भी ये देख रहे हैं जैसे रबर में क्रैकिंग आ जाती है। तो ये जिस वक्त ये बुश अगर रबर इनका इस तरह का क्रैकिंग दिखाए तो इसका मतलब होता है कि ये बुशेस जो हैं ये बिल्कुल एंड पे हैं, ख़ासकर ये वाले ये ठीक हैं बुशेस, इनमें ऐसा सच इशू नहीं महसूस होता। बाकी इसकी शॉक्स खुली थी गाड़ी की, फ्रंट शॉक्स जो हैं वो वीक हैं और जो रेयर शॉक्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हैं। तो ये इतने काम गाड़ी के सस्पेंशन के जो पार्ट्स हैं वो सारे डिटेक्ट हुए हैं। इसको अब आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करते जाएंगे, असेंबल करते जाएंगे, इसकी कुछ फाइन डिटेलिंग क्लीनिंग श्लीनिंग्स भी होंगी नीचे की। ये जी, गाड़ी का बम्पर यहाँ से टूटा हुआ था, ये बम्पर भी रिपेयर होके आ गया है। ये सिर्फ इतना सा ही इसमें डिफेक्ट था, इसको पेंट तो नहीं कर रहे बट ये कि ये रिपेयर हो गया। ये जी, आप ये इस गाड़ी के कुछ पार्ट्स आए हैं हमारे पास। एक तो इसके जो फ्रंट हब्स के ये बेयरिंग्स आ गए हैं और ये बुशिंग्स जो हैं मार्केट में इसके निपॉन के मिले हैं, और ये निपॉन के बुशिंग्स जो हैं ये इसका हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है निपॉन मेक का। एक हमने कार के फाउंडेशन के माउंट्स डाले थे तो वो निपॉन के जो आए तो वो आते ही बैठ गए। और इसकी ये पिछली शॉक्स आ गई हैं टोकीको की। तो ये जो टोकीको है जी, ये दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। ये टोकीको जो मेक है, ये जिस वक्त आप नई लैंड क्रूज़र प्राडो कोई भी लेते हैं तो उसके अंदर जो ओरिजिनल शॉक्स आती हैं वो टोकीको की बनी हुई आती हैं। हम बड़ी ये वाली शॉक ढूंढते हैं कि हमें ये मिल जाए, तो दिस इज़ अ वेरी गुड शॉक, ये आ गया। और जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको बताएं इसके पार्ट परचेज में, एक तो ये कि इसकी जो ये बुशिंग्स हैं, आई वॉज़ नॉट हैप्पी विद निपॉन। तो जो ये मेरे टीम वाले गए हुए थे बुशिंग्स लेने, तो मैंने इनसे कहा कि आरबीआई के इसके बुश क्यों नहीं लिए, तो कहते हैं कि जी आरबीआई के बुश अवेलेबल नहीं हैं इसके सुजुकी कल्टस के। और ये सुजुकी की जो मेन डीलरशिप है वहाँ गए हैं, उनसे पूछा है कि जी हमें ये बुशिंग्स चाहिए, तो वो कहते हैं कि जी आप पूरे के पूरे कंट्रोल आर्म लें, जो कि एक कंट्रोल आर्म 15,000 रुपये का है। तो वो मतलब व्हाट्स द पॉइंट, जबकि तमाम गाड़ियों के ये बुशिंग्स अवेलेबल होते हैं, तो इसका पूरा कंट्रोल आर्म लेने का मतलब क्या फ़ायदा। और जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस गाड़ी की क्लच की केबल थोड़ी सी हार्ड थी, तो हमने क्लच केबल भी पता करवाई है। 27,000 रुपये की क्लच केबल कंपनी दे रही है,
और इससे ज़्यादा एक और भी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, 27,000 की जो एक क्लच केबल दे रहे हैं, तो आपका जो होंडा का पूरा हाइड्रोलिक जो सिस्टम है ना क्लच का, उसका मास्टर सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर, सारा कुछ इतने पैसों का नहीं है जितने की ये खाली केबल दे रहे हैं एक सादी सी। और इस केबल का रेट होना चाहिए 1500, 2000, 2500, मेक सेंस। ये 27,000 वाला मामला समझ नहीं आता। और इसके अलावा जी, जो इसकी जेन्युइन शॉक्स हैं, पिछली 50,000 रुपए की जी जेन्युइन शॉक्स हैं, तो ये जो सुजुकी ये वाला काम करती है ना, ये बड़ी ही जुल्म ज्यादती करती है। और फिर इनकी गाड़ियां तबाह भी हो जाती हैं, क्योंकि फिर उनकी गाड़ियों के सारे दो नंबर पार्ट मार्केट में आते हैं और ना प्रॉपर बुशिंग्स मिलेंगे ना बाकी चीज़ें मिलेंगी। तो दिस इज़ समथिंग रियली ऑड। फॉर दिस मैटर हम होंडा को और टोयोटा को बहुत अच्छा समझते हैं कि वो बड़े इस वाले मामले में बड़े सेंसिबल हैं और उनके पार्ट्स भी बड़े बेहतर रेट के होते हैं। इवन मर्सिडीज़ के पार्ट्स हम कोई नए सोर्स करें तो मर्सिडीज़ के पार्ट्स भी उसमें कोई सेंस होती है, मतलब नॉनसेंस प्राइसेस एटलीस्ट मर्सिडीज़ की नहीं है। तो ये सुजुकी के पार्ट्स जो हैं जी, ये बिल्कुल नॉनसेंस कैटेगरी में चले जाते हैं। इसका जी ये गियर ऑयल भी आ गया है गाड़ी का, और इसके कूलेंट की बॉटल्स भी आ गई हैं इस गाड़ी में। हल्की हल्की रेडिएटर कूलिंग सिस्टम में रस्टिंग हुई हुई थी, तो ये भी डल रहेंगी इसमें। ब्रेक लेदर पिछले जो हैं वो इसके रिप्लेस हो गए हैं। फ्रंट इसकी सस्पेंशन डाउन हुई थी, स्पिंडल्स रिमूव हुए थे, स्पिंडल्स के बेरिंग इसके ख़राब थे, वो बेरिंग रिप्लेस हो गए हैं। एक साइड का बेरिंग बाकायदा लूज था कि टायर में प्ले भी थी, तो वो बेरिंग्स डल गए हैं। इसके कंट्रोल आर्म्स रिमूव हुए, उसके बुशिंग्स डल गए हैं। इसका गियर ऑयल गाड़ी का रिप्लेस हो गया है, कूलेंट डल गया है, इसकी ट्यूनिंग हो गई है, इसकी थ्रॉटल बॉडी वगैरह क्लीन हुई है, इसके प्लग्स चेक हुए हैं, प्लग्स अभी ठीक हैं। और ये इसका जो मेन काम फ्रंट का था, अलाइनमेंट अभी इस गाड़ी की होनी है। सस्पेंशन की अंदर से डिटेलिंग क्लीनिंग हो गई थी, और ये रिम्स वगैरह भी इसके क्लीन हो गए हैं। आगे के डिस्क पैड्स ठीक थे गाड़ी के, और इसका जो रिवर्स का गियर लगाते थे तो पीछे की रिवर्स लाइट ऑन नहीं हो रही थी, उसके स्विच का मसला था, वो स्विच का मसला भी इसका ठीक हुआ है। और अभी गाड़ी की इंटीरियर की थोड़ी सरफेस डिटेलिंग चल रही है। मीटर अभी रिस्टोर होके इसका फिट हुआ है, और बाकी काम शाम कुछ सीधे जो इंटीरियर के पार्ट्स हैं उनको क्लीन कर रहे हैं। तो ये काम गाड़ी के चलते जा रहे हैं अभी। और अभी ये बाहर से इसकी वॉशिंग होगी और इसकी कंपाउंडिंग पॉलिशिंग बाहर से करेंगे, फिर इस गाड़ी को ओके कर देंगे। एक बहुत डिटेल वाला प्रोजेक्ट नहीं था, इट वॉज अ शॉर्ट विजिट प्रोजेक्ट, और इसमें हम चाह रहे थे कि ये जितनी बेहतर हो सकती है गाड़ी बेहतर हो जाए। ये जी इसके सस्पेंशन की कुछ डिटेलिंग हुई है। इसके व्हील बेरिंग्स नए डल गए थे, ये वाले बोल्ट इसके टॉर्क हो गए थे, जो ये नट हैं। और उसके अलावा ये जो अंदर इसकी लगी होती है बुशिंग, ये वाली बुशिंग नई रिप्लेस हो गई है। और इसके अलावा अभी हमने इसके ये जेडलिंक्स लूज़ किए हुए हैं, क्योंकि इसके इधर एक निशान है और इसको हम इन्वेस्टिगेट करने लगे कि कहीं ये जेडलिंक्स पहले के लगे हुए थे, ये ओवरसाइज तो नहीं है, इसकी चेकिंग होना ज़रूरी है। और इसके अलावा अभी अब गाड़ी की जो एक्सटीरियर है उसकी फिनिशिंग शुरू होने लगी है, इसको डिटेल करेंगे और इसकी कंपाउंडिंग पॉलिशिंग होगी। इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, जैसे ये डिफेक्ट है और ये यहाँ कुछ निशान आए हुए हैं। होपफुली ये ज़्यादातर निशान इसके उससे कंपाउंडिंग से गाड़ी के दूर हो जाएंगे। तो ये वाला काम अब गाड़ी का आज शुरू होने लगा। इंटीरियर इसका डिटेल हुआ है, ऊपर से सरफेस डिटेलिंग हुई है, इसमें कुछ डिसअसेंबलिंग नहीं हुई। ये सीट कवर्स जो हैं ये क्लाइंट ने कल खुद इस पे चढ़वाए हैं, और बाकी गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी बेहतर हुआ है। रूफ़ लाइनिंग छोड़ के
वो नहीं हुई, बाकी डोर्स, डैशबोर्ड, वो वाला डोर, ये बैक साइड से और ये सारी चीज़ें वगैरह इसकी हो गई हैं। मीटर भी इसका रिस्टोर हो गया, इसके ऊपर इस वक्त डस्ट है। व्यूअर्स, ये जी हमारे पास आई हुई थी एक कल्टस और मेन इसके सस्पेंशन के काम थे और सस्पेंशन के इसके काम हो गए हैं। फ्रंट सस्पेंशन में इसके व्हील हब बेयरिंग्स ख़राब थे, वो रिप्लेस हुए हैं। इसके कंट्रोल आर्म के बुशेस ख़राब थे, वो रिप्लेस हुए हैं। और इसकी ब्रेक फ्रंट की चेक हुई, वो बिल्कुल ठीक थी। शॉक्स इसकी रिमूव होके चेक हुई, वो भी ठीक थी, उनको भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं थी। पीछे इसके ड्रम के जो लेदर्स हैं वो रिप्लेस हुए हैं, पिछले शॉक्स इसके रिप्लेस हुए हैं और इसकी इंजन की ट्यूनिंग हुई है। और उसके अलावा गाड़ी की इंटीरियर डिटेलिंग हुई है और इस गाड़ी की एक्सटीरियर की कंपाउंडिंग पॉलिशिंग हुई है और इसकी सेमी डिटेलिंग इसकी बाहर की भी हुई है और अंदर की भी हुई है। तो ये अब गाड़ी रेडी है, अभी हमारे पास अंधेरा है तो इस गाड़ी की हम बहुत अच्छी फुटेज नहीं बना पा रहे, बट दिस इज़ ओके रेडी और अभी ये गाड़ी जा रही है।